आप सभी को पता ही होगा वीवो का वी 15 प्रो इंडिया में लॉन्च होने के लिए रेडी है, पर लेने से पहले थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन आप सभी के लिए बनती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एवाईसी। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के वी 15 प्रो के बारे में, और आपको देने वाले हैं इस वीडियो में उसका पूरा स्पेसिफिकेशन और बताने वाले हैं पूरा रिव्यू इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। हमको कमेंट करके जरूर बताना आपको वीवो का वी 15 प्रो के फीचर आपको कैसे लगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है वीवो के वी 15 प्रो के पोस्टर भी लीक हो चुके थे और उनका फर्स्ट लुक भी लीक हो चुका था। जैसे कि आप पीछे पोस्टर में देख ही सकते हैं, तीन कैमरे आपको बैक की तरफ देखने को मिलते हैं वीवो के वी 15 प्रो में। ये बहुत ही हालांकि 2 या 3 दिन पहले पोस्टर लीक हो चुके थे कि 20 फरवरी को लॉन्च होने वाला है इंडिया में, वो भी बहुत ही जल्दी लीक हो गए थे और इसका ऑफिशियली टीज़र भी लॉन्च हो चुका है। इस बातों को सभी को छोड़कर हम चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और आपको बताते हैं इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात करेंगे। इसमें आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ इसमें आपको डिस्प्ले एलमोडी ओएलडी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी डिस्प्ले इस फ़ोन में देखने को आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। आपको इसमें कैमरा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया का नंबर 1 फ़ोन है जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है वीवो के वी 15 प्रो में। और बैक कैमरे की बात करें, बैक कैमरे में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। एक बारी फिर से ये वीवो का फर्स्ट फ़ोन है जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है वीवो के इस फ़ोन में। और जो कि इसमें कैमरा है आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है और आपको इसमें फ्लैश भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। इसमें आपको 6 GB रैम प्लस 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ इसमें आप अपना मेमोरी कार्ड लगाकर मेमोरी को और भी बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। जो आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है आपको स्नैपड्रैगन 675 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया का फर्स्ट स्नैपड्रैगन 675 है, जो रेडमी वाले भी बोल रहे थे रेडमी नोट 7 प्रो में 675 का स्नैपड्रैगन को देखने को मिलेगा, पर उन्होंने बोला था देखने को मिलेगा पर वीवो के वी 15 प्रो में है। अब इसके ओएस की बात करें, इसमें आपको एंड्रॉयड पाई का वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके बैटरी की बात करें, इसमें आपको बैटरी 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है ओवी पावर चार्जर के साथ। बस इतना ही था वीवो के वी 15 प्रो की स्पेसिफिकेशन के बारे में। और थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं, इसमें आपको फेस आईडी का भी लॉक देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको स्क्रीन में लॉक देखने को मिल जाता है जिससे आप अपना फ़ोन आसानी से खोल सकते हो। हालांकि इसकी प्राइस कंफर्म नहीं हुई है कितना प्राइस हो सकता है इस फ़ोन का। जैसा कि मैंने सुना था 25 या 30 हज़ार की रेंज के बीच में ये फ़ोन होने वाला है वीवो का वी 15 प्रो। हालांकि 20 फरवरी को लॉन्च जब होगा तब देखेंगे इसकी रियल प्राइस क्या होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी तक हमारे चैनल पर कमेंट नहीं किया, प्लीज़ छोड़ देना कमेंट करके ये फ़ोन के बारे में वीवो के वी 15 प्रो के आपको फ़ीचर कैसे लगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।